जय हिंद। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरेट मोनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, तकरीबन 40 दिन के बाद मैं फिर YouTube बनाना शुरू किया। मैं YouTube बनाना छोड़ने के लिए इरादा किया था, क्योंकि लोगों का जो है सोच विचार में बहुत सारा बदलाव नजर आया, और ऊपर से क्या कि पेंशन का जो मैं काम करता हूं उसके लिए टाइम नहीं दे पाता था। लेकिन मजबूरन अभी फिर चालू इसलिए कर रहा हूं कि एक शख्स रोज सुबह 7:30 बजे, यानी कि पहला दिन वीडियो बना के दूसरा दिन अगला दिन सुबह 7:30 बजे वीडियो निकालता है, और टारगेट वो यही करता है कि कपिल के ऊपर। अपने आप को हरिश्चंद्र के औलाद समझता है, और फैक्ट फिगर्स सच्चाई ऐसे मतलब हवा में तीर मारते जा रहा है। अब आप लोगों को क्या है सच्चाई क्या है? कपिल का कहानी कुछ और है, और जो शख्स वीडियो डाल रहा है उसको अपना काम करना चाहिए, दूसरों की उसमें उंगली नहीं करना चाहिए। कपिल अपना काम कर रहा, कपिल ने कभी दूसरे संगठन के बारे में कभी बात ही नहीं किया। खैर छोड़ो, ये कपिल जाने, वो या वो शख्स जाने, वो शख्स ये बोलेगा कि मेरा नाम लेने से डरता है। मैं नाम लेने से नहीं डरता हूं, मैं नाम लेने से नहीं डरता हूं, लेकिन लोगों को जो मतलब समझदार है वो अपने आप समझ जाएगा कि ये शख्स कौन है। जो नहीं समझा वो अनाड़ी है। दोस्तों, मैंने आज ये हेडिंग जो दिया है, वीओपी टू अफवाह टू जोवा 2014 से सच्चाई क्या है, सबसे पहले जो है आप लोगों को ये मतलब मालूम होना चाहिए कि 2014-15 से पहले इतना जागरूक नहीं हुआ था हम लोग, आप नहीं हम लोग। हमारे इसमें सिस्टम में जो है एक ब्लॉक स्पॉट है जो मतलब 10-12 साल से ऊपर से चल रहा है, वो है वॉइस ऑफ पेंशनर्स। आप गूगल में डाल के द वॉइस ऑफ पेंशनर आप डालो, जो नीचे मैंने उसका लिंक भी दिया है, तो उसमें आपको सारे नजर आएगा। ये वॉइस ऑफ पेंशनर जो है ये शुरू किया है एक ऐसा जो मतलब प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया है हमारे एयरफोर्स के साथ वेटरन सार्जेंट एमबी चंद्रमेनन सर, और इसमें 2 करोड़ से ऊपर लोगों ने विजिट कर लिया, 2 करोड़ से ऊपर, ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है। और इसमें इस ब्लॉग में क्या ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमारे काम का ना हो, सारी चीज है, सारी चीज 3rd pay commission से लेके 7th pay commission तक का सब कुछ उसमें है, सब कुछ। तो ऐसे जो व्यक्ति जिसने मतलब ये ब्लॉग्स शुरू किया उसमें एक चैट बॉक्स भी छोड़ के रखा, आप जो भी है डायरेक्ट ऑनलाइन आप चैटिंग कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है आप उसमें आप डालो अपना, पहले उसमें आपको अपना एंट्री देना पड़ता है, यानी कि आपका नाम और ईमेल आईडी दोनों रजिस्टर करना पड़ता है। कोई पैसा नहीं लगता उसमें, कोई पैसा नहीं, कोई डोनेशन नहीं है। फिर उसके बाद आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल, लेकिन उसमें गैर राजनीति पॉलिटिकल मैसेज नहीं चलता, वल्गैरिटी नहीं चलता, किसी को आप गाली नहीं दे सकते हो। ऐसे चैट बॉक्स बना के दिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं 2014 में नवंबर के बाद ही मेरे को पता चला कि ऐसे मतलब एक ब्लॉग है। तो उसके बाद उसमें गया चैट बॉक्स में, मैंने अपना एंट्री डाला, और उसके बाद हम रोज चैटिंग करने लगे। उसमें आप देखोगे दिन एक दिन में कम से कम एक दिन में उन 2014 की बात कर रहा हूं, दिन में कम से कम 3-4 हजार लोग उसमें एंट्री करते थे।
तरह तरह की मतलब क्वेश्चंस, तरह तरह के जो इश्यूज सब डिस्कस करते थे। उसी टाइम जो है उसी टाइम उसमें हमारे सर्जेंट एमबीसी सर, जेडब्ल्यू मुरुगेशन सर, जेडब्ल्यू जयरामन सर, मायसेल्फ, फिर उसके बाद पीटीआर सर एसके सिंह, बहुत लोग सर्जेंट ये नायक सतीशीलन, मतलब अनगिनत लोग जो है डेली देखना, चैटिंग करना, एक दूसरे के मतलब प्रॉब्लम्स सॉल्व करते थे। उसी टाइम जो है ऑनरी नायब सूबेदार गुरुचरण सिंह सिद्धू, वो भी उसमें था, उस ब्लॉक में वो भी आया करता था, और उसके साथ और भी बहुत लोग हैं जो आज अफवाह में हैं। दोस्तों ये 2014 एंड की बात में बता रहा हूं, हमने एक ऐसे चिंगारी डाला कि क्यों ना हम जेसीओ जवान के लिए अलग सा एक संगठन क्यों ना शुरू करें, पेंशन इश्यूज के लिए और अपने सारे मुद्दे के लिए। उस टाइम वन रैंक वन पेंशन का जो है सीरियस नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद ऐसे बात होते होते 2015 मार्च तक तो ऐसे ही चल रहा था, फिर हमने नाम चुना है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि वीओपी से पैदा हुआ नाम है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका अभी आज अभी जो चेयरमैन है ऑनरी नायब सूबेदार गुरुचरण सिंह सिद्धू सर। लेकिन जब हमने ये संगठन शुरू किया था अफवाह, उस टाइम हमने जो मतलब अडॉप कमिटी जब बनाया था, पीटीएफ सर वेटरन संतोष कुमार सिंह को हमने, पीटीएफ सर संतोष कुमार सिंह जो दिल्ली से था, यूपी के रहने वाले, उसको मतलब हमने चेयरमैन बनाया, और ऑनरी नायब सूबेदार जी एस सिद्धू को हमने जनरल सेक्रेटरी बनाया, और एक जेडब्ल्यू मुकेश था उसको जो है ट्रेजरर बनाया। लेकिन रजिस्ट्रेशन का काम चालू किया, ये चालू जब किया था तो मतलब हर स्टेट से हम लोगों ने आधार कार्ड, अपने पैन कार्ड सब कुछ भेजा और एड्रेस दिया था। आज भी एड्रेस वही है जो हमारे जो है सिद्धू साहब का घर का एड्रेस है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन जैसे हमने अप्लाई किया था, उसी टाइम लोगों ने पैसा भेजना स्टार्ट कर दिया था, डीडी चेक और मेंबर्स का लिस्ट हर जगह से आने लगा, आंध्रा से और बंगाल से, तमिलनाडु से, हर जगह से। लेकिन उस टाइम तो कोई मतलब बैंक अकाउंट था ही नहीं, तो बैंक अकाउंट नहीं था, फिर हमारे जो है चेन्नई में मेरा जो है जान पहचान का था करूर वैश्य बैंक में जीएम, तो उनसे मैंने बात किया, बोला कि चलो ठीक है कहाँ खोलना है, मैंने कहा कि सर जनकपुरी वेस्ट में, उधर दिल्ली में खोलना। फिर उसके बाद उन्होंने वहां बात करके राजी हो गया था। फिर उसके बाद जो है हमने अकाउंट खोला था जनकपुरी में, और ये तीनों शख्स था उस टाइम। और मैं यहां तक जो पॉइंट है मैं यही रुक जाता हूं, मैं ये क्यों बता रहा हूं कि अनरजिस्टर्ड करके जो सच्चाई, फैक्ट्स एंड फिगर्स, हरिश्चंद्र के औलाद, ये अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने वाला एक्स ग्रुप का नायब सूबेदार है, वो उस टाइम संगठन में मेंबर नहीं था अफवाह में। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि मतलब अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन वसूल मतलब कलेक्शन नहीं कर सकते, उनको मालूम नहीं था अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन कैसे उन दिनों में कैसे मतलब अमाउंट कलेक्ट किया था लोगों से, एक दो नहीं 4 लाख के आसपास तक जो है कलेक्शन हो गया था। लेकिन हमारे जो है हमने जिन लोगों को चुना था, जो हमारे सिद्धू साहब जो है और एसके सिंह, ये ईमानदार थे, एक पैसा का इधर उधर नहीं किया, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ही ऑनेस्ट है। भले मेरा बहुत सारे मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनके साथ हो, लेकिन पैसे के मामले में किसी को एक पैसे के मैं दोष नहीं दूंगा, उतने ऑनेस्ट पीपल है।
और सितंबर 5 तारीख को हमने एक जनवाणी मीटिंग दिल्ली में बुलाया था, वहां पे यह शख्स आया था और आते ही उसने मेंबर नहीं बना। जब हमने उसको ट्रेजरर का पोस्ट दिया, फटाफट 200 रुपए देके मेंबर बन गया था और साथ ही साथ 3000 का डोनेशन दिया। उसका डिटेल्स मेरे पास है, 3000 और 200 रुपए मेंबरशिप फी देके मेंबर बन गया था। उसके बाद वहां से लेके रजिस्ट्रेशन 2016 में हमें हमारा जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, और 2015 सितंबर से लेके 2016 जनवरी फरवरी तक जो भी कलेक्शन हुआ था वो क्या अनऑथराइज्ड नहीं था, वो गैर कानूनी नहीं था। इस शख्स को ये याद होना चाहिए कि उन दिनों में कैसे था, हम कहां थे, कैसे हमने मतलब लोगों से पैसा कलेक्ट करके अफवाई को मतलब इतना अफवाई में इतना पैसा जमा करवाया लोगों से। दोस्तों ये शख्स जो है कैसे भी ये मतलब कहते हैं ना चमलियान जिसको बोलते हैं, ये जहां जाएगा उसके हिसाब से अपना रंग बदल देगा। और उसके बाद जो है उसके बाद मैं दो मतलब बताऊंगा। पहला तो ये शख्स जो है फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन जो कलेक्शन कर रहे हैं उसको नाजायज बता रहा है ना, तो अफवाह ने जो किया वो कैसे जायज था, सबसे पहली बात। दूसरा क्या है, हम बात कर सकते हैं अफवाह के बारे में क्योंकि हम फाउंडर मेंबर्स थे, लेकिन ये तो फाउंडर मेंबर नहीं था, ये तो बाद में आके जोड़ा था। लेकिन बाद में आके जोड़ा जितने भी फाउंडर मेंबर्स थे हम सबको इन्होंने बाहर फेंक दिया था, मतलब बाहर फेंका मतलब ऐसे इंसल्ट किया लोगों को हम, क्योंकि कोई भी इज्जतदार आदमी वहां रुक नहीं सकता। इस तरह का बेमान, इस तरह को बेइज्जती करके हम सबको वहां से भगाया। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अगर ये इसको मतलब ये ना रोज डालता है ना कपिल के बारे में, इसको मेरे बारे में डालने दो रोज, फिर मैं रोज में जवाब देता रहूंगा। आज तो पहली बाग है, पहली बाग है, पहली बाग में ये वीओपी टू अफवाह आ गया। अब अफवाह से जोवा कैसे बना ये भी तो आज बताना चाहिए ना मेरे को। दोस्तों ये 2016 में जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया था, रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद उससे पहले पहले 2015 में सितंबर में हमारे सिद्धू साहब ने बोला जहां भी मैं जाता हूं वहां प्रधान पूछते हैं मेरे को प्रधान बनाओ, मेरे को प्रधान बनाओ। तो हमने एसके सिंह से पूछा भाई ऐसे इनको प्रधान बनाएंगे, बोला चलो ठीक है बना दो कोई बात नहीं है, क्या करना है, जनरल सेक्रेटरी पावरफुल पोस्ट है, पावरफुल पोस्ट यही है जनरल सेक्रेटरी। तो एसके सिंह जनरल सेक्रेटरी बन गया था और सिद्धू साहब को हमने चेयरमैन बनाया और ट्रेजरर था दीवान सिंह। अब बाद में जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद तमिलनाडु में हम लोगों ने आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया तमिलनाडु चैप्टर का एक मीटिंग किया था। जब वो हमने मीटिंग किया था जनरली हमने सबको इनवाइट किया, सबको मेल में डाल दिया था और व्हाट्सएप में डाला, सॉरी चैट बॉक्स में डाला था। वो चैट बॉक्स जो एमबीसी मैनन सर ने चेयरमैन के घर में बैठ के आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नाम पे एक ब्लॉग बनाया, फिर उसमें एक चैट बॉक्स बना के दिया और वो चैट बॉक्स चालू चल रहा था। उस चैट बॉक्स में भी हमने सबको इनविटेशन दिया था। फिर हमने अप्रैल में अफवाह तमिलनाडु चैप्टर का हमने मीटिंग किया और एक पैसा भी हमने सेंटर से नहीं लिया, हालांकि हमने तकरीबन 700 मेंबर्स तो दिया है हमारी तरफ से, लेकिन एक पैसा जो है वहां से हमने नहीं लिया। हमने जो भी किया अपने मतलब ताकत से हमने मीटिंग किया और मीटिंग विद लंच किया हमने। तो मेरे को चेयरमैन साहब ने फोन करके पूछा कि किससे पूछ के मीटिंग किया, मैंने कहा क्यों, ये तो तमिलनाडु चैप्टर है, हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। कहता है नहीं आपको हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। मैं बोला आप तानाशाही नहीं कर सकते हो क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स सारे मिलके हमने फैसला किया, हमने मीटिंग किया।
तो वहां से जो है जब उठपटांग शुरू हुआ तो फिर उसके बाद जो है उसी टाइम जो है मैं मेंबरशिप बनाने के लिए हर जगह घूम रहा था। फिर जब हमने जब ये सोच देखा कि भाई ये तो मतलब अपने आप को सतबीर सिंह, वो तो ओपनली बोला कि देखो आईएसएम में जनरल सतबीर सिंह कैसे काम करता वैसे मैं करूंगा, जो हम कहेंगे वही आपको करना पड़ेगा। जिसको हमने बनाया था वो हमारे ऊपर हुक्म चलाने लगा, तो हम तो काम ऐसे नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो है हमने जो यानी कि जेसीओस वॉर्स वेटरन्स एसोसिएशन अपने अलग से बनाया, अलग से जब से हमने जोवा शुरू किया ना तब से लेके आज तक जो है तमिलनाडु से हमने मेंबरशिप देना बंद कर दिया। हाँ ये मतलब छोटे मोटे 10-12 लोग तो मेंबर बने थे, वो जेडब्ल्यू तनवर की वजह से जो आमरी सॉरी लास्ट टाइम गेल्ड केस की वजह से, वो उससे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन हमने अभी 5 जगह पे जेसीओ स्वार्स वेटरन्स एसोसिएशन बनवा लिया, जो मेन है जो चेन्नई में है अभी 1400 मेंबर है, और आगे जाके हमने हर जगह जेसीओ स्वार्स वेटरन्स एसोसिएशन हर जगह हमने स्टार्ट किया हर जगह, और जितना हमारे मेंबर है वो अफाई से ज्यादा हमारे पास मेंबर है। वो अलग है, मेंबरशिप ज्यादा रखना या कम रखना वो अलग बात है, लेकिन जो वह पैदा हुआ था इन्हीं लोगों की वजह से, खासकर जो है ये दीवान सिंह की वजह से। दीवान सिंह ने ऐसे ऐसे मतलब माहौल पैदा किया हम लोगों के साथ, तो हमने सोचा कि भाई दुष्ट से दूर रहो और मूर्ख से आर्ग्यू करना बेकार करके हम चुपचाप जो है बाहर निकल गया। ये जोवा इसलिए जोवा शुरू हुआ था और जोवा अच्छा काम कर रहा है। आज के दिन में 20 करोड़ से ऊपर लोगों को दिलाया और हर महीने हर साल हमारा मीटिंग होता है, किसी से एक पैसा नहीं लेते हैं। लंच के साथ हमारा मीटिंग होता है, लंच के साथ हम ऐसा है कि एक महीने पहले सबको बुलाते हैं। लेकिन जो ये अभी कहते हैं ना दो दिन पहले एक वीडियो में कह रहा है ना वी आर रजिस्टर्ड विद एमओडी, कोई भी संगठन रजिस्टर्ड नहीं है एमओडी के साथ, एमओडी में रिकॉग्निशन होता है रजिस्ट्रेशन नहीं होता। ये एक मिनिस्ट्री है कंज्यूमर अफेयर्स का, उसमें नेम्स एंड एम्बलम्स करके एक सेक्शन है, जो भी मतलब सोसाइटी एक्ट के जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो सारे जो है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में नेम्स एंड एम्बलम्स में पहले जाएगा, फिर वहां से ओके होने के बाद वो कमेंट्स के लिए जो है ये सारी जो है सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज है, वहां से जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ओनली फॉर कमेंट, कोई मतलब इसमें आपत्ति है या नहीं, फिर वहां से क्लियरेंस होके फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में आता है, फिर वहां से ये वापस आता है रजिस्टर ऑफिस में, वहां से नंबर अलर्ट होता है। ये अभी कहता है ना वी आर रजिस्टर्ड विद एमओडी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, इतना झूठा आदमी मैंने कहीं देखा नहीं है। रजिस्ट्रेशन को रिकॉग्निशन के साथ मिक्स करके जो है यह अपना वीडियो बनाता है। और आज जो पहली बात में मैं इतना ही कह रहा हूं, अभी डेली में इसका कारनामा और सब कुछ बताते रहूंगा, और यहां तक कि मैं बताऊंगा कि ये एक्स ग्रुप टेबल नंबर 7 टेबल नंबर 8 के पीछे इन लोगों ने कितनी लोगों से बात किया है, क्या क्या बात किया, वो सारी चीज मैं अभी निकालूंगा। पहले ये नहीं निकालना चाहता था क्योंकि वो हमारे लिस्ट में नहीं था, हम उसके बारे में बात करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जब इन्होंने हमें जो है उंगली किया है अब हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि जुल्म करना जितना पाप है उससे भी बड़ा पाप है जुल्म सहना। ये जुल्म कर रहे थे हमारे ऊपर, अब इनको जो है टिट फॉर टैट
करके दिखाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा मतलब है कि मेरा ये मतलब नहीं है जवानों के बीच में फूट डालना, मेरा ये मतलब नहीं है कि किसी को मतलब किसी के बारे में बुरा बोलना, लेकिन मजबूरन मेरे को ये करना पड़ता है और मजबूरन मैं करता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।